नमस्कार। तो अब हम समझते हैं एक एग्जाम्पल के द्वारा कि हाउ डज ऑल वैलिडेटर्स वर्क इन ASP.NET। तो जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, मैंने एक नया प्रोजेक्ट बनाया है कॉल वैलिडेटर्स। अभी मैंने एक फॉर्म लिया है और इस फॉर्म के अंदर मैंने डाला है नेम, ईमेल, एज, ठीक है। नाउ अभी नेम के लिए मैंने यहाँ पे डाला है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर, ईमेल के लिए मैंने डाला है रिक्वायर्ड एज वेल एज वैलिड ईमेल एड्रेस। सो मैंने दो वैलिडेटर्स यूज़ किए हैं, विच इज़ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर एज वेल एज रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। देन हैव एज विच इज़ रिक्वायर्ड बिटवीन रेंज ऑफ 18 to 45। तो मैंने दो वैलिडेटर्स यूज़ किए हैं, वन इज़ रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर एंड देन इज रेंज वैलिडेटर। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड ईच वैलिडेटर फॉर ईच कंट्रोल वन बाय वन। सो फर्स्ट इज नेम, यहाँ पे वैलिडेटर है रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेटर। पहला मैंने दिया है ID, then this is my formatting what you want to give, then this is display which is dynamic, मतलब जब भी validate हो या ना हो उस हिसाब से वो display होना चाहिए। then control to validate, this is important, very much important property which is where specifying txt name। so this txt name is this text box control जिसके अंदर हम name डालने वाले हैं। तो because we want to validate the value of this text box control, हम यहाँ पे उस control का ID डालेंगे। अगर मेरा कंट्रोल वैलिडेट नहीं होता है, यानी कि जो वैल्यू आपने उस टेक्स्ट बॉक्स में एंटर की है वो वैलिड नहीं है, तो आपको ये मैसेज डिस्प्ले करवाना है विच इज नेम इज रिक्वायर्ड। देन इज ईमेल, सो ईमेल इज रिक्वायर्ड एज वेल एज ईमेल शुड बी वैलिड ईमेल एड्रेस। सो टेक्स्ट बॉक्स का ID है txt ईमेल, रिक्वायर्ड फिल वैलिडेटर में मैंने कंट्रोल टू वैलिडेट में डाला है txt ईमेल, एरर मैसेज है ईमेल इज रिक्वायर्ड। देन कम्स रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, यानी कि हम ईमेल अगर डालते हैं तो वैलिड ईमेल होना चाहिए। जैसे कि मेरा नाम है जॉली त्रिवेदी, तो मैं डालूँगी jolly.trivedi@gmail.com। बट अगर मैं डालती हूँ jolly.trivedi12356789101112, तो ये ईमेल एड्रेस हुआ नहीं। सो दिस इज़ एन इनवैलिड ईमेल एड्रेस। सो मुझे ये चेक करना है कि यूज़र कुछ भी ईमेल डालता है तो वैलिड ही होना चाहिए। तो उसके लिए हमने एक रेगुलर एक्सप्रेशन बनाया है जो हम डालेंगे वैलिडेशन एक्सप्रेशन के अंदर। सो दिस इज़ माय रेगुलर एक्सप्रेशन जिसका यूज़ करके हम कंपेयर करेंगे कि जो ईमेल एड्रेस वाले टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डाली है दैट इज़ सेम फॉर्मेट एज वी वांटेड। देन कम्स एज, नाउ वी वांट एज विच इज़ बिटवीन 18 to 45। दिस इज़ माई टेक्स्ट बॉक्स विच इज़ txt एज। सो मैंने कंट्रोल टू वैलिडेट में डाला है txt एज का ID एंड माई एरर मैसेज इज एज इज रिक्वायर्ड। देन कम्स माई वैलिडेटर, सो योर आई हैव यूज इज रेंज वैलिडेटर। तो यहाँ पे मैं क्या डालूंगी, मेरा मिनिमम वैल्यू क्या है 18, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 45, क्योंकि हमें यहाँ पे मेजर करना है कि इट इज शुड बी बिटवीन 18 and 45। तो इसलिए हमने यहाँ पे मिनिमम वैल्यू डाला है 18, मैक्सिमम डाला है 45। सो चलिए अब इसको रन करते हैं। सो यू सी ओ योर नेम, इसने बोला है रिक्वायर्ड, ईमेल ने बोला है रिक्वायर्ड एंड वैलिड ईमेल एड्रेस, एज इज रिक्वायर्ड एंड रेंज बिटवीन 18 to 45। अभी मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ एंड लेट मी क्लिक ऑन बटन। सो दिस द एरर विच आई एम गेटिंग, यहाँ पे नेम इज रिक्वायर्ड, ईमेल इज रिक्वायर्ड, एज इज रिक्वायर्ड। ओके, सो नाउ लेट मी एंटर समथिंग, से चॉली। नाउ वी वॉन्ट वैलिड ईमेल एड्रेस, तो पहले कुछ भी डालते हैं। So now error message is invalid email address. So I have to put some valid email address. Say jolly.trivedi@gmail.com. So now the error is gone. Now my age should be between 18 and 45. Let me enter 10. So age range 18 to 45. Let me enter 56. Again same message. Age range 18 to 45. Now let me enter the value between this range, say 25. Okay, the error is gone. So this happens in how this error is gone. Now what I want on click me, see I have entered all these details and after that I want that my page should be showing that okay, your validation is complete. So let's enter some message over here. So this is my button event. Let's go to the code. Let's write the code.
it's error. It's a jolly dot ready at gmail.com. Save 40. Click me. So it shows me my page is valid. Okay, so how does the way the validators are working? I hope you guys understood. Thank you so much. So चलिए अब समझते हैं database access. So next topic है database access in ASP.NET.